हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो गाइस, जैसा आप सबको पता होगा कि FCI के द्वारा जो एग्ज़ाम लेने वाले थे, जो CBT 1 का, उसकी यहाँ पे डेट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम जो है कौन कौन सी डेट में होगी और आपकी कौन कौन सी शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी। और जो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पे इसके लिए सबसे पहले आपको गाइस जो है FCI की आपको साइट पे आना होगा ऑफिशियल। जैसे ही आप FCI की साइट पे आएंगे तो यहां पे आपको उसे ओपन करना है। फिर गाइस जो है आपको क्या करना है, यहां पे जो है आपको जो करंट रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, यहां पे ये करंट रिक्रूटमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आपको क्या करना है, सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सिंपली इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइस, तो ये जो है आपको नेक्स्ट साइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगी। अब क्या करना है आपको यहाँ पे गाइस, तो आपको जो है अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। आप जैसे ही नीचे आएंगे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, तो आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है नोटिस रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ Phase 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर Category 3। यानी Category 3 की जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है Phase 1 की, उसकी जो है यहाँ पे नोटिस प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे जैसे ही आप गाइस इसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो हम इसी के बारे में अभी पढ़ लेते हैं इसको पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है नोटिस जो है FCI द्वारा यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 2/5/2019 को ये पब्लिश की गई है। तो यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट, यानी कि जो जो डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग जो CBT 1 का है, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया गया है विथ रेफरेंस टू रिक्रूटमेंट नोटिस इश्यूड वाइड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 1/2019। यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 1/2019, उसके रिगार्डिंग जो है ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपका FCI ग्रेड जो Category 3 का आपका जो एग्ज़ाम डेट था वो आपका जो है 23/2/2019 को आपका जो यहाँ पे आपने जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया था, तो आपका लास्ट डेट था। अब जो है आपकी एग्ज़ाम जो है आपका CBT 1 का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे अब उसकी डेट जो है यहाँ पे ऑफिशियली जारी कर दी है कि आपका CBT कब होगा। तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे Grade 3 की बात करें तो जनरल उनका जो असिस्टेंट Grade 3 था, जिसमें जनरल था, डिपोर्ट था, टेक्निकल था, अकाउंटेंट था और JEE जो जूनियर इंजीनियर जो सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में थे उनके लिए, फिर असिस्टेंट Grade 2, फिर उसके बाद टाइपिस्ट, हिंदी, स्टेनो Grade 3, इतनी जो कैटेगरी के जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उनके लिए CBT 1 का यहाँ पे डेट जो है आ गया है। तो आपका जो यहाँ पे होगा गाइस एग्ज़ाम का जो होगा, आपके 4 दिन में आपकी एग्ज़ाम होगी और हर दिन आपका जो है 4 शिफ्ट रहेगा। यहाँ पे 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। तो जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो आपका 1 आवर होगा। और अब बता देता हूँ गाइस, आपकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो कौन कौन सी है। तो उसकी आपकी जो डेट है वो है एक आपकी 31 मई को होगी, दूसरी आपकी 1 जून को होगी, उसके बाद जो है आपका 2 जून को एग्ज़ाम होगा और 3 जून को एग्ज़ाम होगा। ये मतलब आपके जो है 4 आपकी डेट आ गई एग्ज़ाम की और हर एक दिन में जो है 4 आपकी शिफ्ट होगी। इस तरह से कुल 16 शिफ्ट में आपकी जो है FCI की यहाँ पे एग्ज़ाम दी जाएगी। अब नीचे बात करते थे, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली इंफॉर्मेशन दी है एज मेंशन इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 FCI Category 3, द कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट इंडिकेटिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच कैंडिडेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम WWFCI 15 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनवर्ड। मतलब गाइज ये यहाँ पे कहने जा रहे हैं कि जो भी CBT का आपका एग्जामिनेशन होगा, उसका जो भी कॉल लेटर होगा, आपको जो है आपका उस पर आपका डेट, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आया है, एज वेल एज आपका किस जगह जाके आपको एग्जाम देना है, कौन से टाइम पे देना है, उसका जो भी कॉल लेटर है वो आपको यहाँ पे 15 दिन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम से। तो आपको है वहाँ से यहाँ ये एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना, FCI की ऑफिशियल साइट है। ये रही आपकी www.fci.government.in जो है आपकी साइट है ऑफिशियल, यहाँ से आपको जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है Phase 1 का। उसके बाद देख लेते हैं, आपको बता देते हैं यहाँ पे क्लियरली कहा गया है इट मे बी प्लीज बी नोटेड दैट द अबोव शेड्यूल इज ओनली टेंटेटिव एंड मे चेंज एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे मतलब आपका जो है ये डेट टेंटेटिव है, मतलब आप मान के चलिए आपकी डेट जो है इसके तकरीबन आजू बाजू ही होगी। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया तो आपके पास अच्छा मौका है, 1 महीना आपके पास पड़ा है। तो आप जो है यहाँ से आप, मैं कल से ये क्लासेस चालू करने वाला इस चीज़ के बारे में ही, मैथ्स और रीजनिंग की, तो आप जो है वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा मैथ्स और रीजनिंग का वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो गाइज आई होप इस सब चीज़ के बारे में पता चल गया। अगर हम एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे चलिए गाइज बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से होगा।
यहाँ पे। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं एफसीआई की, तो आप गाइज आपका जो है तीन सब्जेक्ट होगा, एक तो आपका इंग्लिश होगा, एक आपका जो है मैथ्स यानी कि आपका जो है एप्टीट्यूड होगा यहाँ पे, और तीसरा आपका जो होगा वो आपका होगा रीजनिंग। तो तीसरा आपका जो है गाइज यहाँ पे रीजनिंग होगा, और ये गाइज तीनों में आपका जो है क्वेश्चन कितने आएंगे, तो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो है गाइज आपके यहाँ पे आपके तीन सब्जेक्ट बता देता हूँ गाइज आपके, सबसे पहले आपका जो है इंग्लिश, उसके बाद जो है एक मैथ्स होगा आपका, उसके बाद जो है आपका रीजनिंग यहाँ पे होगा गाइज। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होंगे इंग्लिश में। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और एज वेल एज आपके रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स की बात करते हैं, तो ये आपके जो मार्क्स हो गया हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, यहाँ पे 35 मार्क्स के होगा, ये 35 मार्क्स हो गए, और इसका टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो 60 मिनट यानी कि आपको जो है 1 आवर यहाँ पे मिलेगा, और हर एक के लिए 20-20 मिनट मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले, तो यहाँ पे गाइस आपके लिए जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो आपके लिए 1/3 जितना नेगेटिव मार्किंग होगा, और जो है आपका इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, परंतु रीजनिंग और मैथ्स जो है आपका बायलैंग्वेज लैंग्वेज में होगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।